एक समय पर रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनियों में से एक जो दिल्ली एनसीआर में है, जिसमें पहला नाम डीएलएफ का आता है और दूसरे नंबर पे आती थी यूनिटेक। यूनिटेक के मालिक जेल में चले गए, जेल पे बेल पे, बाहर भी आ गए, सब चीजें हो गई, लोगों को उनके घर नहीं मिले, हजारों हजारों करोड़ रुपए के बजाय ठंडे बस्ते में पड़े रह गए, जिसकी वजह से जो शेयर एक टाइम पे हजारों रुपए का होता था वो कुछ वन फिगर में आ गया, 10 रुपए से नीचे के भाव में ट्रेड करने लगा। ये शेयर अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा चलने लगा है और यहाँ पे कुछ कुछ बहुत हलचले हैं। पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, शायद अदानी से पहले खरीद लो, ऐसा कुछ वीडियो मैंने बनाया था, जहां पे मुझे था कि शायद अदानी इसमें एंटर करने वाला, ऐसे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो यहाँ पे असली खेल है क्या? असली खेल ये है कि जब हमने शेयर को ट्रैक किया 6-7 रुपए के आसपास में था, 6 रुपए से ये स्टॉक भाग के 19-20 रुपए के आसपास में गया और 19-20 19 रुपए 80 पैसे का ही लगाया, 19 रुपए 80 पैसे के बाद भी इसने वापस लो लगाया 8 रुपए 25 पैसे का। अब दोबारा से लगातार अगर देखते हैं तो लगातार वो अपर सर्किट पे काम कर रहा है, लगातार इसमें अपर सर्किट चल रहा है। तो क्या यूनिटेक में बाइंग करनी चाहिए? आपके इतने सारे सवाल लगातार यूनिटेक के ऊपर में आए थे, इसलिए मैंने यूनिटेक को आज चूज किया है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल सबको मालूम है, कंपनी खराब है, कंपनी के फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं है, बट एक चीज जो लोगों को शायद नहीं मालूम, आपको पता होना चाहिए कि अब यूनिटेक का जो बोर्ड है वो प्राइवेट बोर्ड नहीं है, वो एक सरकारी बोर्ड है, सरकार के नुमाइंदे उसको चला रहे हैं, सरकार चला रही है, सरकार के कहने पे काम हो रहा है। अब सरकार को कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि भैया जो पड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए अगले 18 महीने के अंदर में। तो 12 साल के बाद गुड़गांव में जो इनका विस्ता प्रोजेक्ट था, यूनिटेक विस्ता प्रोजेक्ट गुड़गांव 70 सेक्टर में ये बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट 12 साल के बाद वापस स्टार्ट हो गया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले तो यूनिटेक के जो होम बायर्स हैं, आप सब लोग को बधाई हो कि सरकार ने आपका घर आपको दिलाने का वादा पूरा करने की पहल रख दी है और इसके लिए आपको मिलते हैं कुछ 18 से 36 महीने, मतलब 1.5 से 3 साल के अंदर में इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रेडी किया जाएगा। 23 टावर्स हैं इसके अंदर, 23 टावर्स हैं, 1287 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से 1241 बिक चुके हैं। सोचिए 1241 अपार्टमेंट्स बिक चुके थे जो लोगों को 12 साल से नहीं मिले, लोग ईएमआई भर भर के परेशान हो गए। तो इसी की वजह से हजारों रुपए का शेयर गिर के 10 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा था और आज की रेट में ये शेयर 1 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर चुका है, 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर चुका है और अब वापस जाके 12 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो क्या इसको अगर आपके पास है होल्ड करना चाहिए या फ्रेश एंट्री इसमें बनानी चाहिए? पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस करने वाले फाइज के प्लेटफॉर्म पे, तो फाइज में अगर आपको अकाउंट खोलना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही बेस्ट ट्रेडिंग एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। तो यहां पे जो लेवल्स है, लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे। ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट लगा रहा था, अपर सर्किट लगा रहा था, इसकी जर्नी ऐसी रहती है। अब वापस से इसमें ट्रेंड चेंज होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अपनी कलम उठाते हैं, वो देखते हैं क्या ये ट्रेंड चेंज किसी और फैक्टर से यहां पे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे एक जो चीज निकल कर रही है, एक तो ये है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप देख सकते हैं। ये ब्रेकआउट कहां पे हुआ है? 10 रुपए के आसपास, 10 से 11 रुपए के आसपास में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहां पे दिखाई दे रहा है। और साथ में यहाँ पे जो अच्छी चीज है वो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, साथ में वॉल्यूम सपोर्टेड मूव, दोबारा बायर आना शुरू है। ये जो न्यूज है सिर्फ 2 दिन पुरानी न्यूज है, सिर्फ 2 दिन पुरानी, तो 2 दिन के अंदर में ऐसा गेम आ गया। 1 अप्रैल की न्यूज है, 3 अप्रैल को वीडियो बना रहे हैं, तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूनिटेक में लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग करेंगे, अब इसमें वॉल्यूम्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे ऑपरेटर भी आएगा, यहाँ पे बायर भी आएंगे, बहुत सारी सुगवाहट इसमें देखने को मिलेगी। अगर एक झलक देखें इसके ऊपर में कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं, screener.in के पास चलते हैं कि यूनिटेक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखते हैं तो कंपनी लगातार लॉसेस में है। अब 18 से 36 महीने का प्लान है, रातों रात यूनिटेक 12 रुपए का 1200 नहीं होने वाला। ये कंपनी अगर सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर देती है तो आने वाले नए प्रोजेक्ट्स भी अगर उठाती है तो ये गेम धीरे धीरे आपका रियल एस्टेट के अंदर में एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं यूनिटेक के ऊपर में कॉन्फिडेंस बन सकता है, बट इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। कोई भी ना सोचे कि 12 की चीज 120 बिकेगी तो पैसा डबल हो जाएगा, तो सारा पैसा इसमें डाल दे, ऐसे रिस्की स्टॉक्स के अंदर में आपको अपनी कैपिटल का वो हिस्सा लगाना चाहिए जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब जिसके लिए आप तैयार है, पैसा जा सकता है, जाएगा नहीं। अब आपका पैसा यूनिटेक में जीरो नहीं होगा, इसकी स्टैंप सरकार ने लगा दी, इसकी स्टैंप कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगा दी है। तो यहां पे खेल है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर में धीरे 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 आने वाले कुछ क्वार्टर लगेंगे, 1-2-3 क्वार्टर लगते हैं, क्योंकि 18 से 36 महीने का तो प्लान है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे इसमें पैसा आने लगेगा, बुक्स ठीक होने लगेंगी, कंपनी कहीं भी जा सकती है। तो आज अगर 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो मेरे हिसाब से आज पूरे 12 के 12 रुपए को आप स्टॉप लॉस लेके यहां पे बैठ सकते हैं,
पूरे 12 रुपए का स्टॉप लॉस लेके बैठ सकते हैं। और अगर हम टीटीसी से पूछने की कोशिश की जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यहाँ पे देखिए 8 रुपए के आसपास से स्टॉक दोबारा चला है, तो 9 के ऊपर ब्रेकआउट था, 12 रुपए आ चुका है। जो ब्रेकआउट लेवल्स है 16, 20, 25, 30 ये लेवल्स रहेंगे। तो स्टॉप लॉस प्ले करना है तो 6 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। अब पूरे लाइफ टाइम के लिए मेरे हिसाब से पूरे अच्छे टाइम के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा 6 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लेके मैं तो इसमें बैठना चाहूंगा। मैं यहाँ पे रिस्क कैपिटल जरूर डालूंगा। रिस्क कैपिटल क्या है? वो पैसा जो मैं लॉस करने के लिए तैयार हूं, वो पैसा जो पेनी स्टॉक्स में स्मॉल कैप्स में मुझे लगाने के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे कुछ पैसे का कुछ हिस्सा, पूरा कैपिटल नहीं, यहाँ पे मैं प्लेस जरूर करूंगा। तो प्लीज मैं कर रहा हूँ, इसका ये नहीं कि आपको लेना ही लेना है, आप अपनी स्टडी कीजिए, उसके बाद आपको लेना है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, किसी भी तरह का आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ लेना चाहिए। बट हाँ, क्योंकि आपने पूछा था सर अब यूनिटेक में क्या करें, तो यूनिटेक का गेम प्लान मेरा ये रहा, अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलेगा मैं स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर इंक्रीज करता चलूंगा। स्टॉप लॉस घटेगा बाहर, स्टॉप लॉस के ऊपर वापस चलेगा, फिर से रीएंट्री, यही गेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये न्यूज बहुत ही शानदार है, चार्ट के ऊपर में प्राइस अच्छा ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो ये सारा असर सिर्फ इस न्यूज का है और इसके अलावा कोई इसमें नहीं है। बट हाँ, जब बोर्ड में सरकार बैठी है, सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर चीजें ठीक होंगी। इसके अगर आप देखने की कोशिश करें तो जो पूरी पूरी इक्विटी है, पूरी इक्विटी पब्लिक के पास 93.62% के आसपास पब्लिक के पास, पब्लिक बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक में आप ये उम्मीद मत लगाइए कि यहां से 120 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि प्रमोटर या गवर्नमेंट इसका जो स्टेक है बढ़ाने लगे, अगर वो स्टेक बढ़ाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम आपको दिखाई देगा। और अगर मंथली चार्ट के ऊपर में इसको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुखभोगाट आपको अभी तक दिखाई दी नहीं है कि बड़े प्लेयर इसमें आना शुरू हुए हों, बड़े प्लेयर इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ 2-3 महीने पहले इसमें कुछ गेम बनना स्टार्ट हुआ था, बट वो सिर्फ एक स्पेकुलेशन थी। वो स्पेकुलेशन अब कहीं जाके, अब इस टाइम के बाद में आने वाले कुछ क्वार्टर तक इसको होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, वॉच किस में रखना चाहिए, तब जाके गेम समझ में आएगा कि अगर इन्वेस्टर्स में प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहा है, या FI स्टेक बढ़ा रहे हैं, या इंस्टीट्यूशन स्टेक बढ़ा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट इसमें स्टेक बढ़ाना स्टार्ट करती है। तो ऐसी कोई स्थिति दिखाई देती है तो इस पे स्टैंप पक्की लगने की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो ये था यूनिटेक का एनालिसिस। और अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन कि हम डेली चैनल के ऊपर में मॉर्निंग 7 बजे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिस दिन जो एक्सपायरी निफ्टी के साथ उसको क्लब करके, जैसे एक दिन पहले हमने डाला था फिर निफ्टी और निफ्टी, फिर आज मॉर्निंग में डाला निफ्टी और बैंक निफ्टी, कल आने वाला है सिर्फ निफ्टी क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। तो इसके जो लेवल्स रहेंगे, इसका जो एनालिसिस रहेगा, ये मॉर्निंग में 7 बजे आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर आपका किसी भी तरह से ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की वीडियोस तो आपके साथ लेके आते ही आते हैं, साथ में हम लेके आ रहे हैं ट्रेडिंग की वीडियो जो डेली आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिलेगी, ताकि उस दिन का फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल फ्रेश आपको सुबह सुबह आइडिया मिल जाए, राइट। और दोस्तों एक और चीज, चैनल पहुंच गया है 98,900 के ऊपर, सिर्फ 1100 सब्सक्राइबर दूर है हम 1,00,000 को क्रॉस करने के लिए। इस खुशी पे हमारा अधिकार है जो आपसे हमें मिल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी इस खुशी को और बढ़ावा मिले, तो कृपया करके जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, ताकि अच्छा कंटेंट सभी तक टाइम पे पहुंच सके। थैंक यू सो मच आपके प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।